भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सत्ता में आ रही है। इस बात के लिए हम पूछेंगे कि जनता के सामने झूठ बोलने से बेहतर तो ये रहेगा कि वो अपने कामों का गुणगान करते, अपना मत अवश्य वो डालें। मैं ये अपील करूंगा क्योंकि मतदान महादान है। और आज क्योंकि पहले से ही हमारी कैबिनेट की मीटिंग तय थी, तो आज वो कैबिनेट की मीटिंग भी हमने की है, उसके बारे में भी मैं जानकारी आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग ने कल जो हरियाणा विधानसभा के आम चुनावों की घोषणा की है, मैं इसका स्वागत करता हूं। हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सत्ता में आ रही है। हम तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने हरियाणा का बिना भेदभाव के समुचित विकास किया है। मैं आंकड़ों और तथ्यों के साथ जनता के सामने और हरियाणा की विकास यात्रा का ब्यौरा रखूंगा, साथ साथ विपक्ष के लोगों से भी इस बात के लिए हम पूछेंगे कि जनता के सामने झूठ बोलने से बेहतर तो ये रहेगा कि वो अपने कामों का गुणगान करते। करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमने ये काम किया, हम यहां पर रहे, झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। जनता से भी अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस को इनके झूठ के बारे में सबक सिखाने का काम करें। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा ने हर क्षेत्र में विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। मैं हरियाणा के मतदाताओं से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ करके भाग लें, अपना मत अवश्य वो डालें। मैं ये अपील करूंगा क्योंकि मतदान महादान है। आप इसके लिए, मैं अपील करना चाहूंगा सभी मतदाताओं से कि आप इसके लिए विशेष समय निकालिए और विशेष समय निकाल करके इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर हिस्सा लेते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने का काम आप लोग करें, ऐसा मैं आग्रह हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं से करता हूं।